यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हमीरपुर में भाजयुमो द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाइक रैली को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक का कहना है कि बाइक रैली निकालकर युवा घर घर जाकर लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही विधायक ने कहा कि सभी युवाओं को निर्देश दिए गए हैं कि हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाई जाए। तो आपको बता दें कि बाइक रैली का भाजयुमो के द्वारा आयोजन किया गया, जहां पर मोदी का गुणगान भी किया गया, उनकी योजनाओं को लाभार्थियों का गुणगान किया गया, अवगत कराया गया जनता को कि कैसे मोदी सरकार ने भारत की तस्वीर बदली है। लेकिन ये सारी रैलियां, ये सारी जनसभाएं जो आजकल चल रही हैं, कहीं ना कहीं 2019 के उन चुनावों की ओर इशारा करती है, जिसकी साख को पकड़ने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने तरीके से तैयार भी दिख रही है। इसी प्रकार से भाजयुमो में बाइक रैली की, जिस दौरान प्रदर्शन किया गया, बाइक रैली की गई, इसका आयोजन किया गया और जो विधायक हैं उन्होंने हरी झंडी उस बाइक रैली को दिखाई। साथ ही जितने भी बाइकर्स और जितने भी युवा यहां पर पहुंचे थे उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह भी दी गई। आपको बता दें कि यहां पर जो युवक पहुंचे थे वो युवा थे और उन्होंने साथ ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत संख्या में यहाँ पर बाइक रैली में लोग मौजूद हुए।